हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की सुप्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी में ऊपरी क्षेत्रों आहला, डैनकुंड, लक्कड़ मंडी व काला टोप में ताजा बर्फबारी होने से तापमान लुढ़क गया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी यहां के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र डैनकुंड के पोहलानी माता मंदिर क्षेत्र के समीप हुई है। यहां करीब एक फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और वो मस्ती में झूमने लगे। हिमपात से यहां का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल काला टोप भी अछूता नहीं रहा और शुक्रवार सुबह देवदार के हरे भरे पेड़ों से घिरी हरी घास वाला काला टोप लक्कड़ मंडी पूरी तरह आसमान से गिरी चांदी से लिपटा नजर आया। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में हुए इस ताजा हिमपात से समूचा उपमंडल डलहौजी शीतलहर की चपेट में आ गया है। डलहौजी में हुए हिमपात से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीदें बंद गई है। सिकाल जी नमस्ते, हम लोग आगरा से आए हैं और हमारे आगरा में पहाड़ नहीं है और जब हम आगरा से यहाँ पर आए तो पहाड़ देखे और पहाड़ तो हमने बहुत देखे, लेकिन अभी कभी हम दिसंबर में या नवम्बर में नहीं आए और यहाँ आके हमने देखा कि बर्फ पड़ी हुई है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। दैट्स टू गुड, इतना एंजॉय हमने कभी लाइफ में नहीं किया और ऐसी बर्फ कभी देखी नहीं है, तो इतना मजा आ रहा है इस बर्फ पे, हमने इतना एंजॉय किया कि वेलकम टू एवरीवन टू कम टू खजियार एंड डलहौजी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन, ग्रीनरी एंड व्हाइट स्नो, बर्फ ही बर्फ है। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय। वेरी नाइस सिटी, आई लव डलहौजी, आई लव डलहौजी। अहमदाबाद से आए यहाँ, जागृति मेरा नाम है। अहमदाबाद में बर्फ नहीं गिरती, यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का एटमोस्फियर, पर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे बर्फ गिरी है और हम बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसके मजे ले रहे हैं। और स्नोफॉल भी बहुत बढ़िया हुआ है उसमें। अहमदाबाद में तो 48 डिग्री सेल्सियस होता है, इतनी गर्मी होती है, मगर यहाँ पे तो इतना क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, बहुत मजा आती है, बहुत बहुत बढ़िया होता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट। एडवेंचर के शौकीनों के लिए अल्टीमेट सर्वाइवल पेश कर रहा है हिमाचल की पहाड़ियों में शिवालिक अल्ट्रा रन। हिमाचल टूरिज्म के सहयोग में कैंपिंग एंड राफ्टिंग इन हिमालयन। इसमें है विभिन्न कैटेगरीज जिसमें होगी 80 किलोमीटर व 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन और शिवालिक अल्ट्रा रन में भाग लेंगे मेजर जनरल विक्रम डोगरा। इसके अलावा आप भी भाग ले सकते हैं 30 व 10 किलोमीटर की दौड़ में, साथ में 40 किलोमीटर की अल्ट्रा वॉकथॉन और 10 किलोमीटर की वॉकथॉन भी। इसी तरह 40 व 80 किलोमीटर की साइकिलिंग भी होगी आयोजित, जबकि पहाड़ी वादियों में कर सकेंगे योग की क्रियाएं। 23 व 24 नवंबर को ज्वालामुखी के रिजर्व फॉरेस्ट वन चिलिया से होगा आगाज। जल्दी कीजिए, कहीं आप चूक न जाए मौका एक ऐतिहासिक इवेंट के भागीदार बनने का, जिसमें न केवल पहाड़ियों के दुर्गम रास्ते आपको हमसफर बनाएंगे बल्कि नदियों की लहरों के हिलोरे भी आपको रोमांचित करेंगे। कांगड़ा वैली में ब्यास नदी की धारा पर व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग और लीजिए कैंपिंग का आनंद। अल्टीमेट सर्वाइवल की शिवालिक अल्ट्रा रन में भाग लेने के लिए संपर्क करें। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।